विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री कमलनाथ झाबुआ पहुंचे। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 3,20,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर जनता का आभार जताया। वहीं पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज जी घोषणा की राजनीति करते थे और मैं घोषणाओं पर विश्वास नहीं करता। मैंने कहा था कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, जो करूंगा आपके सामने करूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम कमलनाथ झाबुआ पहुंचे थे, कई सौगातें उन्होंने यहां पर दी हैं, तो क्या कुछ सौगातें सीएम ने यहां पर दी हैं? यहाँ पर कुछ जो पहले से कांतिलाल जी एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करके बैठे थे, उसके अनुसार यहाँ पर जो भी मांगे रखी गई थी, कई सारी मांगे रखी गई थी कि झाबुआ को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और जो आश्रम है और उन जो अपने सॉरी जो अपने स्कूल्स हैं उनमें शिक्षकों की और ये सारी चीजें पूर्ति हो, इसलिए ये सारी बातें उन्होंने जो रखी थी, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पर झाबुआ को भूला नहीं हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ और मैंने आप लोगों को अपना आपके जितने भी आवेदन मुझे प्राप्त हुए हैं, जो भी आप लोगों की मांग है वो सारी पूरी होगी जी। वहीं इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए शिवराज सिंह चौहान पर? हाँ, शिवराज को इस वक्त उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि वो घोषणा वीर हैं, वो घोषणाओं पर विश्वास करते हैं और मैं घोषणा पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि घोषणाएं मेरी जनता करें, आप करें और आप ये कहें कि मेरा काम हो गया, उसके बाद ही वही असली घोषणा मानी जाएगी जी। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ आज झाबुआ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज घोषणा करते थे और मैं घोषणा में विश्वास नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, जो कुछ करूंगा सबके सामने करूंगा।